नमस्कार, मैं हूं उमेश मौर्य। चुनावी जायका में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं कोरबा के घंटाघर के पीछे चौपाटी में मौजूद हूं और आप देखिए कि बेहद ही खूबसूरत यहां का नजारा है। दूर दूर से जो आसपास के लोग हैं वो इस चौपाटी में अलग अलग जायके का लुत्फ लेने आते हैं और यहाँ बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अपना समय बिताते हैं। कुछ लोग भी हैं, कुछ यहाँ पर अपना खुद का दुकान, खुद का स्टार्टअप शुरू किया है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन एक खास दुकान मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि BCA तंदूरी समोसा वाला। बाकी आप समझ लीजिए कि कौन 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 क्या वाला। तो हम सबसे पहले तो इनसे बात करेंगे। कितने साल से कर रहे हैं? मैं यहाँ 5 से 6 साल हो गया हम लोग काम करते। मैं हूँ, मेरा बड़ा भाई है, हम दोनों काम करते हैं यहाँ पे। कभी कभी वो रहते हैं, कभी मैं रहता हूँ। ये आपका दुकान का नाम जो है बड़ा यूनिक है, BCA समोसा वाला। ये यूनिक के पीछे भी थोड़ा सा कुछ कारण है। अब ऐसे सोचा जाए तो ज़्यादातर अभी बेरोजगार लड़के ऐसे घूमते ही रहते हैं, चाहे कितना भी पढ़ाई कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, जॉब मिलता नहीं है। इससे अच्छा जॉब के पीछे पड़े रहोगे तो अपनी लाइफ बर्बादी है वो। इससे अच्छा कि खुद का कुछ ना कुछ स्टार्टअप करो, जिसमें भी आज पैसा उसमें भी कमाना है, यहाँ भी कमाना है। ऐसे करके हम लोग स्टार्ट किए हैं कि पढ़ाई के बाद में जॉब ही तो करना है, इससे अच्छा कि खुद का कर लेते हैं करके। और दोनों भाई स्टार्ट किया और ऊपर से हमारे बीच में मतलब दो भाई भी रहते हैं, उन लोग भी हमारे साथ काम करते हैं। मतलब आप तो खुद का रोजगार कर ही रहे हो, दो तीन लोगों का रोजगार और दे रहे हो। अच्छा ये बताइए, बना क्या रहे आप? ये समोसा है, ये पट्टी है और इसको पट्टी समोसा बोलते हैं, तंदूरी समोसा भी बोलते हैं। ये पतली पट्टी, बारीक सा पतला सा है। जी जी जी। इसमें क्या क्या डालेंगे आप? इसमें कुछ नहीं डालेंगे, ऐसे मैदे से बना हुआ है और आलू का मिक्स मसाला है। इसमें कुछ यूनिक मसाला डाला हुआ है और भी जो सबका वो रहता है। अच्छा ये वही है, तीन पैर की तितली नहा धो के निकली। यस 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 बोल सकते हैं। अच्छा ये बताइए क्या लग रहा है, इस बार लोकसभा चुनाव को किस तरीके से आप देखते हैं? अब वैसे तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक हिसाब से बोला जाए हमारे लिए तो एक त्यौहार टाइप का रहता है। हाँ, कि कोई भी जीते कोई भी हारे उसे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन देश किससे चलता है। अब कोई भी आएगा यहाँ पर, मतलब जो भी जीतेगा वो तो हमें पहले से ऑफर नहीं देगा कि ये कम कर लो वो कर लो, हमें तो खुद से कमाना पड़ेगा, तब जाके हमारे घर की रोजी रोटी चलेगी। तब जाकर घर की रोजी रोटी चलिए। और भी कुछ लोग हैं, इस बार क्या लग रहा है, किसका माहौल दिख रहा है? दिख रहा है कौन सा आपका? हाँ, तो का स्पेशल है यहाँ के खाए पिए के? तंदूर समोसा। तंदूर समोसा तो ये फेमस है का है? राजनीति में यहाँ कौन फेमस है? अभी तो भाजपा फेमस है। भाजपा में ये पट्टा है, ककर है? बीजेपी के? बीजेपी नहीं, अब गर्मी है तो भाई गमछा वाला, गमछा वाले है। ठीक ठीक, मोला लगे तुम्हारे पार्टी वार्टी थोड़ी हो। तो कैसे देखा था ये बार के चुनाव ला? विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए। चला तो क्या लगा था ये बार काखर पल्ला भारी दिखा थे भाजपा की कांग्रेस के? अब देखा कथे तसने का जीत ही कही, वो तो जीता ही नहीं, हार जाती है। पहली आखिरी बार काला सोचे रहे जो नहीं जीतीस? अब सोचे रहे ते तो नहीं जीतीस भाई। एक बार काला सोचा था, अब वोट जीती थी वो सही है समझा, और सोचे मका है मतलब है। अच्छा जेन जीती तेने हा, तेने दिए हा। ये है बढ़िया है। हाँ हाँ ठीक है, चलिए आओ। और भी हमारे साथ कुछ यूथ भी है, उनसे भी जानेंगे। आप यहाँ पर कहाँ रहती हैं? MP नगर में। क्या खाने आई हैं यहाँ पर? छोले कुलचे पार्सल लेने आई हूँ। ये यहाँ का स्पेशल क्या है? यहाँ पे वो मनोज वाला एक ठेला है, वहाँ का स्पेशल है और बहुत सारी स्पेशल चीजें हैं। ये एक मैं देख रहा हूँ, दिल्ली के मशहूर छोले कुलचे मिलता है यहाँ पे। हाँ। रहता है पूरा सूत्र। आप दिल्ली का खाएं कि नहीं खाएं? मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने आई हूँ। वोट करती हैं जी? वोटिंग करती हैं? इस साल फर्स्ट वोटिंग रहेगा। क्या लग रहा है कि यूथ क्या सोचता है, चूंकि चुनाव है आप लोगों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यूथ चाहेगा तो बदलेगा, यूथ नहीं चाहेगा तो नहीं बदलेगा। आप क्या बदलना चाहती है? मतलब ऐसे एजुकेशन में बदलाव आना चाहिए, सोसाइटी को लेकर बदलाव आना चाहिए। रोजगार एक बड़ा मुद्दा मानती है? हाँ। क्या लगता है कि युवाओं के लिए कोरबा लोकसभा में वो व्यवस्थाएं, यहाँ चार्ड दिल्ली के मशहूर छोले भटूरे कुलचे ये तो मिल रहे हैं, पर क्या जॉब मिल रहा है क्या उस तरीके से जो आप लोग अपेक्षा करती हैं?
नहीं उस तरीके से तो नहीं मिलता है टू बी ऑनेस्ट। तो क्या चाहती हैं अभी जो वर्तमान जो सरकार है और अभी लोकसभा चुनाव होने वाला है, फिर से मतदान होगा, जो आने वाली सरकार, क्या अपेक्षाएं हैं उनसे? बताई तो एजुकेशन के लिए, सोसाइटी के लिए, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग बाग को अच्छा खाना पीना सब कुछ हो, जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं उनके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। चलिए हमारे साथ ये यूथ है और इनका कहना है कि रोजगार एक बड़ा समस्या है, इसके साथ ही जो रूरल क्षेत्र में रहने वाले जो आदिवासी है, वनांचली जो लोग हैं, उनके लिए विकास की जो गंगा बहनी चाहिए वो होनी चाहिए। फिलहाल हम इस वक्त कोरबा के घंटा घर के पीछे मशहूर यहाँ का जो चौपाटी है वहाँ पर हैं और लगातार लोगों से चर्चा कर रहे हैं और इसके साथ ही यहाँ के जायके का भी लुत्फ़ उठा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि जायके के साथ साथ चुनावी जायका क्या कुछ है उनका, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। आगे भी चलते हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ उनका चुनावी जायका है। किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है? ओनली भाजपा ही आएगी और क्या है। आपके पाव भाजी की तरह? हाँ। मसालेदार, चटपटा, सारी तरीके से परिपूर्ण। हाँ। यही ओनली भाजपा। यहाँ की बेसिक समस्या क्या है कोरबा की? कोरबा की साफ सफाई और ये बहुत प्रदूषण है जो राखड़ के वजह से ना, वो बेसिक समस्या है यहाँ की। और रोड वगैरह बहुत चौड़ी नहीं है, बहुत सकरी है, आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, ये सब मेन समस्या है कोरबा का। हाँ भाभी जी, आप बताइए कैसा लगता है यहाँ पर का खाना? अच्छा लगता है, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं जी। तो ये हर बार यहाँ पर आते हैं आप? लगभग जब भी कोरबा आते हैं तब घूमने आते हैं। तो आप वैसे कहाँ रहती हैं? एनटीपीसी लाटा जी। अच्छा ये बताइए, एक बार फिर से लोकसभा चुनाव आ गया है, एक बार फिर से आप लोगों को अपना जनप्रतिनिधि चुनने का मौका आया है, क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगी, कैसा जनप्रतिनिधि चाहती हैं आप? वही सर, जैसे कि हमारे डेवलपमेंट होना चाहिए और जो अंदर अंदर एरिया है ना, वहाँ रोड बहुत सकरे सकरे हैं, बच्चों को आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, एक गाड़ी निकलती दूसरी, वो सारी चीज़ों का प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। इस तरह के मुद्दे लेके आएंगे, उन्हीं को वोट देंगे और क्या। मूलभूत समस्याओं, यस, कौन 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 चुनाव लड़ रहा है आपको जानकारी? यस सर, ज्योत्सना महंत और सरोज पांडे। कौन भारी दिख रही है दोनों में? ये तो सर वक्त बताएगा, लोगों का थिंकिंग बताएगा। पर आप क्या सोचती हैं, आप भी महिला हैं जी सर, दोनों महिलाओं में कौन भारी? अब लोगों का वो समझ बताएगा सर कि किस मुद्दे पे उनको वोट देना है ना। आप बताइए सर, किस क्या लगता है किसके तरफ इस बार? भारी तो भाजपा ही है। हाँ। है ना, क्या क्या स्पेशल है यहाँ का? बस आइसक्रीम, फालूदा, यही सब है। बेटा आपको क्या अच्छा लगता है? गोला। गोला, इसमें कौन कौन सा कलर मिलाई है? ग्रीन, येलो, ऑरेंज। तो गर्मी के दिनों में मजा आता होगा इसको खाने में? उसका फेवरेट है ये जी। तो उसके लिए यहाँ पे आए हैं आप? उसी के लिए आए हैं, चाट खिलाने, गुपचुप खिलाने और गोला खिलाने। तो आप क्या खाए? मैं आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम बढ़िया लगता है। कहाँ रहती हैं आप? यही पौड़ी बाहर में, कोरबा में जी। जी अच्छा ये बताइए, चुनाव फिर से नजदीक आ गया है, नेता पहुंच रहे घर? हाँ पहुंचे हैं। तो उनको आइसक्रीम आइसक्रीम का ऑफर किए कि नहीं आप? तो आइसक्रीम तो वहाँ नहीं बिकता ना, यहाँ आना पड़ेगा उनके लिए। हाँ। तो घर तो आते होंगे, तो उन कुछ चुनावी बातचीत, कुछ मुद्दों को लेकर बातचीत करते हैं आप? हाँ करते हैं, बोलते हैं हमारे छाप में वोट देना बोल के। हाँ बोलते हैं। कौन सा छाप वाले आए हैं आपके पास? आए थे कांग्रेस वाले। क्या बोल रहे हैं? बस यही बोले कि हमारे इसमें वोट देना बोल के। और आप क्या सोच रही है? अब देखो, अब तो हमारे ऊपर, हम जाएंगे वहाँ वोट डालने के लिए। कौन तो? कौन है कांग्रेस और बीजेपी में, कौन कौन चुनाव लड़ रहा है? जी जी, आप आज है ये बताइए, आपको फालूदा अच्छा लगता है कि आइसक्रीम? मेरे को दोनों ठीक है, क्योंकि ठंडा रहता है अच्छा लगता है। कांग्रेस ठीक लगता है कि भाजपा? नहीं अब इसका कहना मुश्किल है, अब रिजल्ट आने में पता चलेगा। दोनों के जायके में किसका जायका जबरदस्त है? नहीं ये भी कह नहीं सकता भी। नहीं मैं आइसक्रीम या फालूदा की बात कर रहा हूँ। आइसक्रीम ठीक है, आइसक्रीम। राजनीति में नहीं बताएंगे? नहीं राजनीति का कुछ आइडिया नहीं अभी ठीक से। फिर भी क्या लगता है क्या करना चाहिए जनप्रतिनिधियों को? जनता का सेवा करना चाहिए इनको। एम टाइम में बिल्कुल कोई नहीं आता, कितना भी आप कंप्लेन करिए कोई नहीं आता, रात गई बात गई वाला हिसाब रहता है। ओहो बिल्कुल, हम देखें पीड़ा है आपकी। हाँ कई चीज़ है, शिकायत है कई,
एक को तो पता है रोड साफ हुआ, कभी नाली साफ हुआ, ये सब चीज का ध्यान देना चाहिए ना। वो तो चुनाव आया तो साफ सफाई होता है, उसके बाद गायब है। लेकिन वर्तमान जो सांसद है, क्या उनसे आप लोग संतुष्ट नहीं? नहीं, उससे भी ठीक है, ऐसा नहीं है, सब ठीक है। अभी तो तत्काल का है ना, अभी तत्काल का भी समय पार होगा तो और तब पता चलता है कि रिजल्ट क्या है इनका। लेकिन आप तैयार हैं जवाब देने के लिए? हाँ, मतदान करने के? हाँ, मतदान तो देना ही है, हमारा हक है। मतदान तो देना ही है, तो गर्व की बात ही, गर्व की बात है मतदान देना। गर्व की बात है। हमारे साथ और भी कुछ लोग है। अलविदा, ये अच्छा लगता है, गर्मी का सीजन है। भाजपा या कांग्रेस? हम तो कांग्रेस हैं। कांग्रेस, हम शुरू से ही, शुरू से कांग्रेस है। हमारे बाप दादा के जमाने से ही हम लोग कांग्रेस को वोट देते। आप वोट करती हैं? हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार किसके दिशा, किसके साथ जाएंगे आप लोग? अब ये तो भैया नतीजा जब आएगा तब पता चलेगा। अच्छा, ये फिर भी क्या लग रहा है इस बार भाजपा कांग्रेस दोनों महिलाएं प्रत्याशी जो है इस बार मैदान में है, तो कौन सी महिला जो है उम्मीदवार वो भारी लग रही है, जीत सकती है? कांग्रेस। चलिए, अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं चुनावी जायके के साथ। अभी फिर से चुनाव हो रहा है, क्या चाहते हैं कि क्या जनप्रतिनिधि करे? क्या चाहेंगे, जो चल रहा है वो और अच्छे से चले। अब चाहते तो यही कि जो और अच्छे से हो, और कुछ नहीं चाहते हैं। आप लोगों के लिए यहाँ पे बाजार के लिए, बाजार की व्यवस्थाओं के लिए बस थोड़ा सा सीमेंटेड हो जाए, डस्ट है सब हटे, खाने पीने में जो कस्टमर है उनको डिस्टर्ब ना हो, बस उससे ज़्यादा और उम्मीद नहीं है। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जो कुल्फी का लुफ्त उठा रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, और ये मुझे लगता है काफी साल बाद एक साथ आप लोग मिल रहे हैं। बहुत साल बाद, छह सात साल बाद मिल रहे हैं। तब तो आप वोट भी नहीं करते रहे होंगे? हाँ, नहीं करते थे, वोटिंग नहीं करते थे। अब वोट कर रहे हैं सब कोई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों की राय एक जैसी है कि अलग अलग है? अब सबको अलग अलग है, एक जैसा तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। थोड़ा बहुत मैचिंग, थोड़ा मैच होता है अभी भी, फिर मैच होता है जी। अच्छा, यूथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है चुनाव में जी। आपकी भूमिका क्या रहने वाली है? देखते हैं, अभी कुछ नहीं बोल सकती ना, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट बार है वोटिंग का, मैंने आज तक दिया ही नहीं है। अभी देखते हैं, एक्सपीरियंस है नहीं मुझे। फर्स्ट बार देंगी? पर कुछ तो मन बनाई होगी कि पहला वोट मेरे को इसको जाना चाहिए। दीदी जी को, पांडे जी को फुल सपोर्ट है। पांडे जी को फुल सपोर्ट है। आप बताइए, आप आपको क्या लगता है? नहीं, मैं तो अपने हिसाब से अब ऐसे नहीं बताऊंगी। ऐसा नहीं बताऊंगी। हाँ, नहीं। अच्छा, घर वाले किसके साइड है? नहीं, वो तो मुझे नहीं पता, अब उनको पता होगा। अच्छा, खाने में क्या अच्छा लगता है? खाने में सभी चीजें अच्छी लगती है। ये जो है, आप तो इसको पूरा मेल्ट कर दिए। ओ, गीला हो रहा है। गीला हो रहा है। तो कैसा लगता है यहाँ का कुल्फी? बहुत अच्छा, इसीलिए तो खाने आई हूँ। अच्छा लगता है। और चुनाव में कौन अच्छा लगता है राजनीति पार्टियों में, कांग्रेस या भाजपा? पांडे समझ क्यों बताऊं, जब दूंगी तब पता चल जाएगा। पता चल जाएगा। हाँ। आप बताइए कि क्या लगता है, किन मुद्दों को लेकर जो है आप वोट करना चाहेंगी? यूथ क्या चाहता है, क्या जनप्रतिनिधि उनके उम्मीदों पर खरा उतरते हैं यूथ के? यूथ यही चाहती है कि जिनका भी जॉब वगैरह नहीं लग रहा है ना, तो 12th करके या BA करके जो भी जिनका नहीं लग रहा, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दे, है ना, वही चाहते हैं यूथ पहले जॉब। तो अभी तक के यहाँ पर वैसा कोई ध्यान देने वाला जनप्रतिनिधि नहीं आया? नहीं आया सर। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है कि क्या करना चाहती हैं आप लोग, कैसा आप जनप्रतिनिधि तो, चाहती हैं? हम तो क्या करेंगे सर, जो बनेंगे उनको ही करना चाहिए। नहीं, लेकिन आपका महत्वपूर्ण रहता है आपका भूमिका। मैं तो वही बोल रही हूँ, मैं तो बोल ही रही हूँ कि जॉब के लिए देखे सब लोग इधर उधर भटक के। लग रहा है कोई जॉब के लिए देखेगा आप लोगों की उम्मीदें पर खरा उतरने वाला कोई दिख रहा है जनप्रतिनिधि? मुझे नहीं दिख रहा सर इस चुनाव पे। दिख रहा नहीं, दिख रहा सब अपने अपने में। चलिए, सब अपने अपने। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा देखो, आपकी वजह से ये लोग पूरे एक साथ हुए हैं आज, और पार्टी हो रही है कुल्फी पार्टी। मजा आता है यहाँ पर? मजा आ रहा है। कितने साल से आप लोग दोस्त हैं, फ्रेंड हैं? अपन तो 10th से। उस समय राजनीति की बात होती थी? और आज ऐसे तो राजनीतिक बात होता भी नहीं हमारे दोस्त में, लेकिन कभी कभी गलती से हो जाता है कि किसको कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, कैसा क्या है, क्या माहौल है, किसको वोट दे रहा है। किसके साइड ज्यादा तो रुझान रहता है? भाजपा के साइड। चलिए ठीक है, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करें। क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल दिख रहा है? माहौल यहाँ शांत है पूरा, भी कोई पता नहीं चल रहा है कौन किसके तरफ है। पहले पिछले समय तो ये पता चल रहा था कि कौन क्या है, इस बार तो कोई पता ही नहीं कि क्या होगा माहौल।
और ये क्या बताया जा रहा है कि दीदी और यहाँ पर भाभी चल रहा है, मतलब दीदी वर्सेस भाभी। दीदी घर की है, भाभी भी घर की है, लेकिन दीदी की शादी होती है, भाभी घर में आ जाती है। किस दिशा में बह रही है तो राजनीति? राजनीति ठंडा है, बताया ना, यहाँ कोई माहौल नहीं है यहाँ पे राजनीति का, दोनों पार्टी शांत है, दोनों पार्टी शांत है। चलिए, ये थी कोरबा लोकसभा की जनता। चुनावी जायके के बीच हम लोगों के भी मिजाज को समझने की कोशिश कर रहे थे, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो क्या कुछ चाहते हैं अपने इस लोकसभा को लेकर, क्या कुछ उनके मुद्दे हैं, यूथ क्या चाहता है, बेरोजगार क्या चाहता है, और यहाँ पर जो अलग अलग तरीके के जायके के द्वारा अपने स्पेशलिटी को परोस रहे हैं, चाहे वो कुल्फी हो, चाहे वो पाव भाजी हो, चाउमीन हो, इसके अलावा जो यहाँ पर अलग अलग तरीके के जो व्यंजन हैं वो यहाँ पर परोसे जा रहे हैं, और बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर लुत्फ़ उठाने आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस चुनावी जायके के बीच भी उनके मिजाज को जब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको यही उम्मीद है कि आने वाला जो भी जनप्रतिनिधि हो उनके उम्मीदों पर खरा उतरे। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनके उम्मीदों पर उनका जनप्रतिनिधि जिन्हें ये चुनेंगे वो कितना खरा उतरता है। कोरबा से असलम अब्दुल के साथ उमेश मौर्य, कोरबा।